वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 30 फीट बाई 40 फीट जगह के ऊपर कैसे घर बना जाता है। ये हमारा जो वेस्ट है, ये हमारा बिल्डिंग का फेसिंग है, ये बिल्डिंग वेस्ट फेसिंग है। इसमें देखिए 30 फीट है और नॉर्थ साइड में हम दे रहे हैं जो ये है 40 फीट है। ये 30 बाई 40 फीट जगह के ऊपर हम क्या क्या हमें फैसिलिटी मिल रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए 3 बेडरूम है और 3 टॉयलेट है, किचन, डाइनिंग, लिविंग और बैल्कोनी, साथ में ये पार्किंग भी है। चलिए हम इसका डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स जानने से पहले जो लोग हमारा चैनल में न्यू है जो लोग, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पहले जो देख रहा हूँ ये है पार्किंग, जिसका साइज 10 फीट है और बाई 15 फीट है। इसमें बड़ा गाड़ी हम रख सकते हैं आराम से। और फिर देखिए ये है मेन एंट्रेंस, ये एक स्टेप दे के हम हमारा जो प्लिंथ लेवल है, मतलब FFL है, उसमें हम एंट्री करेंगे। ये 1 फीट का डिफरेंस है। और ये जो हमें सेकेंडरी में एंट्रेंस दिया है स्टेयर के साथ, ये देखिए स्टेयर में थोड़ा प्राइवेसी रखने के लिए मैं अलग से डोर भी दिया हूँ, जिसमें हमारा ओपन में अगर रेंट में देंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। ये बेल्कोनी है जिसका साइज 10 फीट बाई 4 फीट। ये रेलिंग दिया रहेगा, ये बेल्कोनी जैसे खुला हो रहता है। ये मेन डोर है, मेन डोर के बाद हम लिविंग का साइज है 10 फीट 5 इंच बाई 9 फीट है। और लिविंग के जस्ट पीछे है हमारा बेडरूम नंबर 3 है, जिसका साइज 10 फीट बाई ये है 12 फीट। और साथ में मैं ये कपबोर्ड दिया हूँ, जिसका साइज भी दे दिया 6 फीट 6 इंच बाई 2 फीट। और उसके पीछे जस्ट कॉमन टॉयलेट एंड WC। ये देखिए इसका साइज 6 फीट बाई 6 फीट 1 इंच बाई 4 फीट 2 इंचेस। ये कॉमन टॉयलेट सभी के लिए। इसके साथ मैं इनका जो प्लम्बिंग सिस्टम दे दिया हूँ। फिर बेडरूम नंबर 2, इसका साइज है 10 फीट बाई 12 फीट 2 इंचेस। देख लेते हैं, ये है 12 फीट 2 इंचेस। और वार्डरोब का साइज 7 फीट बाई 2 फीट इसका चौड़ाई है, जो कि कपबोर्ड है। और अटैच टॉयलेट दिया हुआ है इसके साथ, जिसका विड्थ ये 4 फीट 6 इंचेस और लंबाई में जो है 8 फीट 1 इंचेस। ये हमारा बाथ एंड WC दोनों के लिए। इसके बाद हमारा किचन है, किचन का साइज 8 फीट 6 इंचेस बाई 8 फीट 1 इंचेस। और जो स्लैब दिया हूँ उसका भी साइज दे दिया 22 इंची। और जो मास्टर बेडरूम है, हम देख रहे हैं बेडरूम नंबर 3 जो मास्टर बेडरूम है, उसके साथ अटैच टॉयलेट दिया हुआ है, जिसका चौड़ाई 4 फीट 6 इंचेस बाई 8 फीट 1 इंचेस। इसमें मैं पूरा प्लम्बिंग सिस्टम जो है देखे रखा हूँ। और ये मास्टर बेडरूम का साइज 10 फीट बाई 12 फीट 2 इंचेस। और साथ में मैं जो कपबोर्ड दिया हूँ उसका भी साइज ये 7 फीट बाई 2 फीट। स्टेयर का साइज भी मैं बता देता हूँ 2 फीट 3 फीट 2 इंचेस। और जो पैसेज है लैंडिंग हमको 5 इंचेस है। ये प्राइवेसी के लिए थोड़ा बढ़ा दिया हुआ हूँ। और चलेंगे हम इसके बाद डाइनिंग में। ये डाइनिंग का साइज 13 फीट 5 इंचेस बाई 10 फीट 3 इंचेस। साथ में मैं पूजा के लिए ये सेल्फ, मतलब ये पूजा के पर्पस हम यूज कर सकते हैं। ये इस बार में जो इसका विंडोज और डोर विंडो शेड्यूल देख लेते हैं। ये देखिए नोट्स, जो वॉल होगा 10 इंच बाई 5 इंच आप दे सकते हैं। कंक्रीट जो होगा M20, स्टील जो यूज करेंगे Fe500D। और जिसमें हम कवर रेनफोर्समेंट और जो कंक्रीट में कवर होगा, कॉलम में 2 इंची भी 1 इंची
अच्छा सीढ़ी का जो देखिए 10 इंच बाई 6 इंचेस, और बाकी हम ये जो शेड्यूल दे दिया हूँ देख लीजिए। और कवर्ड एरिया 1200 स्क्वायर फीट, जो कि 1200 स्क्वायर फीट के अंदर